नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन टिप्स हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फोन पे से अगर गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसका रुपया रिटर्न कैसे करेंगे, उसको कैसे वापस अपने अकाउंट में लाएंगे। ये वीडियो हम अपने हिसाब से नहीं बना रहे हैं, ये VOD वीडियो है। VOD मतलब हो गया वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड के तहत बनाए गए हैं। अगर आप भी अपना वीडियो चाहते हैं, वीडियो के नीचे में जाके कमेंट कीजिए और आपका वीडियो रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो को बनाने का स्रोत किसे जाते हैं। तो इस वीडियो का स्रोत जाते हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार ने एक वीडियो पे कमेंट किए, सर मेरे पैसा भी फोनपे की वजह से अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पैसा वापस करने का वीडियो बनाइए। इन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं कि पैसा रिटर्न करने का वीडियो बनाइए। तो चलिए हम फोन पे का अकाउंट पे चल के देखते हैं कि इसका रुपया रिटर्न होंगे या नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम फोन पे के एप्लीकेशन ओपन कर लिए हैं। जैसे ही आप फोन पे का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे में पूरा लेन देन का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप इसको इंग्लिश में किए हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी भुगतान किए होंगे सारा आपको डेटा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पैसे मिले हैं हमें, कोई भेजे हैं, इसको भुगतान किए हैं, सारा कुछ यहाँ पे देख रहे हैं कि किसको कितना रुपया भेजे हैं, किन से कितना प्राप्त हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे किसी को जो रुपया भेजे हैं उसका हम एक ब्यौरा निकालते हैं। तो मान के चलिए इनको हम 14,000 रुपया भुगतान किए हैं। इसे हम मान लेते हैं कि मेरे साथ ये गलती हो गया है और हमने इसे गलत अकाउंट में रुपया भेज दिए हैं, तो इसे कैसे रिटर्न करेंगे। तो सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आपके सामने ये नज़र आएंगे कि कहाँ पे आपने रुपया किसको भेजे हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिखाई देने लगेंगे और नीचे में आपको इसका जो है UTR नंबर दिखाई देंगे, ये जो UTR नंबर है ये भी दिखाई देंगे। आपको लेन देन ID ऊपर में दिखाई देंगे। तो लेन देन ID को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी कर लेंगे लेन देन ID को तो आपके नीचे में फोन पे सपोर्ट से संपर्क करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ डैशबोर्ड नज़र आएंगे। तो चलिए इसे हम ओपन देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो सिंपली आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे है अमाउंट नॉट क्रिएट टू द रिसीवर, इसका मतलब हो गया कि हम जो अकाउंट में भेजे हैं रुपया वो अकाउंट में रुपया नहीं पहुँचे हैं। अकाउंट बैलेंस नॉट अपडेट, अकाउंट का बैलेंस अपडेट नहीं हुए हैं। मनी नॉट क्रिएट इन द बैंक, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मनी इसके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेट रॉन्ग डिटेल्स विल फाइल सेंडिंग मनी, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसका मतलब ये होंगे कि हमने गलत अकाउंट में रुपया भेज दिए हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये जो है टिकट का ऑप्शन आ जाएंगे और ये जो है आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो आपको व्यू टिकट पर जाके क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यू टिकट पे क्लिक करेंगे तो अभी तक ये अप्लाई नहीं हुए हैं, तो अब लग रहे हैं ये अप्लाई हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा व्यू टिकट। तो यहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे देंगे व्यू टिकट्स में। आपको यहाँ पे रिलीजन गिवन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लोड ऑर्डर टिकट्स, ये आपका जो है पेंडिंग में चले गए हैं, तो इसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये आपको सिंपली जब रुपया भेजिएगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि हम गलत अकाउंट में भेजे हैं या नहीं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप कंप्लेन कीजिए, तो इससे आपका रुपया रिटर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको रुपया रिटर्न नहीं होते हैं तो सिंपली आप बैंक जाइए और वहाँ पे बोलिए कि हम जो रुपया भेजे हैं वो गलत अकाउंट में भेज दिए हैं। तो इस पर आप स्टेटस को पेंडिंग लगा दीजिए ताकि वो अपने अकाउंट से रुपया ना निकाल पाए, जिससे आपको रुपया रिटर्न होने में आसानी हो।